नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज कृषि जिंस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, किस कृषि जिंस के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6288 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 63 से 6 का ही लग चुका है अभी तक। रूपा जी अब आपको क्या लगता है कैसे सीड में आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? कैसे में तेजी है अखिलेश, अभी मेरे हिसाब से जो अक्टूबर वायदा है वो 6500 के स्तरों के लिए उसमें बाइंग में रहा जा सकता है। सेम आज इट इज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगला महीना जो है अक्टूबर वायदे की दिसंबर की एक्सपायरी है तो अक्टूबर वायदा में अभी भी करंट लेवल के ऊपर भी थोड़ा डिफाइट वहां पर खरीदारी की जा सकती है। बाजारों के अंदर तेजी का रुझान फर्दर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से एक बार मुझे लगता है कि 6500 के स्तर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी देख रहे हैं कि आज चने का बाजार 5020 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले वाले लेवल्स थे उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ से चने का बाजार नीचे में 4900-4800 तक भी लुढ़क सकता है? देखिए चने के अंदर गिरावट जो है बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दी है और नीचे में देखिए अगर यहाँ से 5000 के नीचे गिरता है तो 4800 के आसपास सपोर्ट आ सकता है और ऊपर में 5200, तो आप ये समझ के चलिए 400 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्की फुल्की करेक्शन है, कुछ बहुत ज्यादा मुझे यहाँ से डाउन साइड नहीं लगता है। थोड़ा बहुत बाजार आज इंट्राडे में स्लिप कर सकता है, 4960 तक के लेवल आज नीचे में देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी बात करें यहाँ पे बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि 2410 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि अब बिनौला खल 2400 के भी घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे इसमें और गिरावट बढ़ती जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे बिनौला खल 2300 का भी लेवल जल्दी दिखला देगा? देखिए बिल्कुल बिनौला खल में अब तेजी गायब हो चुकी है और लगातार प्राइसेस में दबाव है और अब ये दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगले महीने का जो वायदा है उसके अंदर जो सितंबर वायदा फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे एक्सपायरी है उसमें दिसंबर का वायदा है जो कि 2500 पर कारोबार कर रहा है वो नीचे में 2400 तक लुढ़क सकता है। जी रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की तो देख रहे हैं कि जो अक्टूबर वायदा है मसालों का उनके अंदर जो लेवल्स हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू अगर सितंबर वायदे की बात करें तो। मसालों में आपको क्या लगता है कि आज इंट्राडे में मसालों में कैसा कारोबार दर्ज किया जा सकता है? देखिए आज अगर बात करें मसालों की तो आज इंट्राडे के अंदर मसालों के अंदर जो है वो बाइंग में ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हल्दी की अगर अक्टूबर वायदा की बात करें तो वो 8000 के पार जा सकती है, उसमें बाय किया जा सकता है। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि जीरा भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, 15000 के पार जो है अक्टूबर वायदा देखने को मिल सकता है। धनिया की बात करें तो धनिया भी 8000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल तीनों ही मसालों के अंदर तेजी का रुझान है, बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो बीते सत्र में हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर 2.5% के और 5% के लोअर सर्किट लगते हुए देखे थे। अब देख रहे हैं कि वहां से थोड़ी एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि गिरावट अभी भी है लेकिन कुछ रिकवरी भी देखने को मिली है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है क्या ग्वार में इसी तरह से उठापटक का माहौल जारी रहेगा और ग्वार की कीमतों में कभी लोअर सर्किट तो कभी अपर सर्किट लगते रहेंगे? देखिए बिल्कुल ये ऊपर नीचे तो बाजार करता रहेगा लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, बाजारों के अंदर वापस से खरीदारी आते हुए हम देख सकते हैं और मुझे लगता है कि ग्वार जो है अगर अभी यहाँ से वापस से तेजी पकड़ता है, अभी 10000 का सपोर्ट लिए हुए हैं, अक्टूबर वायदा की बात करें तो 10000 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन रह जाता है तो वापस से तेजी जो बनेगी वो 12000 तक ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। जी रूपा जी इनसे बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों के बाजार में अब क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देख भी रहे हैं कि बीते सत्र में खबर निकल के सामने आई थी कि जो सरकार है उसने खाद्य तेलों की जो कस्टम ड्यूटी है उसमें कटौती की है। देखिए सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है कि खाद्य तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब फेस्टिवल सीजन की डिमांड के चलते उम्मीद है कि मस्टर्ड की कीमतें जो है और ज्यादा अपसाइड में जा सकती हैं, इसलिए सरकार जो है उसके ऊपर अभी से एक्शन में आती हुई दिखाई दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कीमतों को कंट्रोल करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, छुटपुट गिरावट रह सकती है लेकिन त्योहारी सीजन के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बाजार नीचे आता हुआ दिखाई देगा, बल्कि हाजिर के अंदर और ज्यादा अपट्रेंड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए तेजी की तरफ रहा जा सकता है, बायोडीजल की फसल लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी जाना चाहेंगे वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर आज इंट्राडे की बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर मुझे लगता है कि कैस्टर में बाई किया जा सकता है, कैस्टर के साथ साथ मसालों के अंदर आज बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है। हल्दी मुझे लगता है कि आज 8000 के पार स्तर को पार कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप केसर सीड और हल्दी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केसर और हल्दी आपको अच्छा मुनाफा कमाते हुए आज भी और आने वाले समय में भी नज़र आ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर खुली है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।